नमस्कार दोस्तों, न्यू एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। एलडीसी भर्ती 2018 की प्रक्रिया पर रोक लग चुकी है। अभी भी दोस्तों न्यूज़ आई है, जयपुर हाई कोर्ट ने एलडीसी भर्ती 2018 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का लाभ नहीं देने पर 1292 पदों के जो भर्ती होनी थी उस पर रोक लग चुकी है दोस्तों। और अभी अभी की न्यूज़ आई है, पूरी न्यूज़ को पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप न्यू एग्ज़ाम चैनल पर नए हो तो एलडीसी भर्ती और राजस्थान की अन्य भर्तियों की पल पल की अपडेट के लिए आप न्यू एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस न्यूज़ को पूरा पढ़ते हैं। हाई कोर्ट ने एलडीसी भर्ती 2018 ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का लाभ नहीं देने पर 1292 पदों पर, ये 1292 पद है, 1292 पदों पर भर्ती के लिए 16 अप्रैल 2018 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार व कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड से जवाब देने को कहा है। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश चेतन शर्मा व शशिकांत शर्मा सहित अन्य की याचिका पर दिया। इसमें कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती में एमबीसी को 19 फरवरी 2019 के आदेश से 5% आरक्षण का लाभ दे दिया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का लाभ नहीं दिया है, जिससे इस वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी आरक्षण का लाभ दिया जाए। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती की विज्ञप्ति के अनुसार पदों पर भर्ती करने पर रोक लगा दी है। दोस्तों ये बड़ी खबर है कि इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग चुकी है और अब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलेगा, उसके बाद ये भर्ती स्टार्ट होगी। या फिर जो एमबीएससी को आरक्षण दिया गया है उनको हटाया जाएगा आरक्षण, और या उन इनको दिया जाएगा। तो इन दोनों पे भर्ती प्रक्रिया अड़ी हुई है दोस्तों, और जैसे ही अगली न्यूज़ निकल कर आएगी हम तुरंत आपके पास जल्दी से न्यूज़ को लेकर आएंगे। तो इसलिए अगर आप न्यू एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। धन्यवाद।